और अब यहाँ से एकदम बढ़िया तरीके से निकल रहे हैं। ऑफ रोड तो खूब करी आज, कहाँ एकदम से ब्रेक ले रहा है। ऑफ रोड तो आज खूब करी खूब, लेकिन गलती ये हुई कि मैं हेलमेट लेके नहीं, कैमरा में लेके गया बट हेलमेट लेके नहीं गया। और बाकी वीडियो तो तुम्हें मिलेगी। और यहाँ पे हम हाईवे की तरफ से पहुँच रहे हैं, मुश्किल से भाई बताते हैं 1 घंटे का रास्ता है, 1 घंटे में आना जाना, हाँ 1 घंटे में जाना हो जाएगा। अरे जो टाइम तुम्हें गांव में लग रहा है ना, इससे मतलब लगेगा तो इससे ज़्यादा, लेकिन ये है कि तुम्हें फिर रोड काफ़ी स्मूथ मिल जाएंगे। मैडम यहाँ पे भैया मास्क ऊपर कर लो, क्योंकि अब मास्क की वैल्यू है, अब मास्क की वैल्यू बढ़ गई। और ग्रीन भी देखो यार, लेकिन भाई साहब एक चीज़ जो यहाँ पे सुबह सुबह ठंड थी ना, वो अब मतलब अब हमें ये है कि हमें गर्मी नहीं लग रही। जब तक आप बाइक में हो ना इन एरिया में, तब तक आपको गर्मी नहीं लग रही थी, लेकिन जैसे ही अगर आप बाइक आपने रोकी, जैसे ही आपने बाइक रोकी तो उसके बाद आपको फिर गर्मी लगनी शुरू हो जाएगी, वो भी हल्की, काफ़ी हल्की गर्मी लगनी आप, लेकिन हाँ ये है कि गर्मी लगनी आपको शुरू हो जाएगी। और यहाँ पे तो भाई बच्चे से मैच भी खेल रहे हैं, और बिल्कुल ग्लैमर को तो बेचारे ने खोल के रख रखी है। चलो चलो तो यहाँ से अब हम सीधा निकल रहे हैं। क्योंकि यहाँ का थोड़ा रास्ता भी ऐसी है, इसलिए बहुत सारी चीज़ें नहीं करते। और यहाँ पे अब लाइट आ गई है, और अपनी किस्मत में ही नहीं, आज ट्यूबवेल पर नहाने की किस्मत में ही नहीं है। हम इतनी देर से ट्यूबवेल कर रहे थे, और अब हम जब जा रहे हैं हमें तो, अब हम यहाँ पे आ गए हैं थोड़ा सा कुछ किलोमीटर आगे, ठीक है कुछ किलोमीटर हम आगे आ गए हैं। और अब यहाँ से निकलने का टाइम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं, थोड़ी सी दूरी बचा, 15-20 किलोमीटर के आसपास तक है अपना घर। तो देखते हैं कितना किलोमीटर और है, और यहाँ पे मेरा जो बाइक का मीटर है वो 7:56 हो चुका है। अरे तरीके से यहाँ पे गर्मी की थोड़ी सी लगने लगी, क्योंकि जब तक हम ग्रीन में थे तब तक हमें गर्मी नहीं लग रही थी, अब हमें बाइक में गर्मी लगने लग गई।
यहाँ से दिल्ली 22 किलोमीटर दिखा रहा है, तो इतनी पहुँच जाएंगे 22 में ही, कह रहे हैं 30 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है, निकल जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से मुझे लग रहा है ना, एक बार एक तरीके से मान लो 22 किलोमीटर बता, 30 किलोमीटर बचा है ऑलमोस्ट, और यहाँ पे भाई साहब क्रिकेटर मैच होते हुए भाई अस्पताल में आई है भाई साहब की। कुछ अजीब के बारे करते हुए मस्ती की आवाज़ आ रही है, अगर कैमरा अंदर उधर से उन्होंने सुनाई देता, जैसे हवा सीट इसी मार रही हो। अरे बार आदमी सेट कर लेता हूँ बढ़िया तरीके से। और ये कैसी स्कूटी है, एक साइड हमारा कुछ है ही नहीं। अच्छा पैर भाई साहब चलाने वाले भी क्या चलाते हैं, ग्रीन भी जगह मस्त बना रखा है। अभी हाल फिलहाल में 4 से 5 किलोमीटर हम चला चुके हैं, 4 किलोमीटर 786 था, 96 हो गया, तो 4 मीटर का किलोमीटर। बस भाई मुझे घर पहुँचा दिया आपको, अभी तक तो सुबह तक काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स कर रही थी, और अभी 20 से हल्का हल्का जैसे बाइक झटके से ले रही है। भाई साहब बुलाने वाला जा रहा है, कसम में जा रहा है। हर महादेव भाई साहब राइड का मजा लो, सिर्फ राइड का मजा लो। यहाँ से मस्त सा निकलते हुए लहर मारते हुए निकल गया, हाँ लहर मारते हुए नहीं, आराम से मीटर देखती रहोगे 50 के ऊपर जाती नहीं, जाती तो है लेकिन हम लेकर नहीं जाती। ये तो सही लगता है मुझे, मैं सोचा DND आ गया। अब यहाँ से इसको ओवरटेक मारना,
अगर गाजियाबाद 10 किलोमीटर है तो यहाँ से नोएडा भी 22-10 है, डबल होगा यहाँ से। नो, नोएडा का आगे 21 किलोमीटर, क्योंकि यहाँ 10 किलोमीटर है गाजियाबाद से, मतलब यहाँ का इंडियन एयरपोर्ट, इंडियन एयरपोर्ट। ये तो नींद में है।